बम बम बोल रहा है काशी, फिर वेंटिलेटर और उसके बाद सरवन। और अब प्रियंका लेकर आ रही हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की लव स्टोरी। आखिर कैसी होगी ये फिल्म, चलिए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका इन दिनों रीजनल फिल्म्स में आजकल कुछ ज्यादा ही हाथ आजमा रही है। पिछले साल प्रियंका ने भोजपुरी में बम बम बोल रहा है काशी, मराठी में वेंटिलेटर और पंजाबी में सरवन को प्रोड्यूस किया था। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर को हाल ही में 3 नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। प्रियंका यही नहीं रुकने वाली है, इस साल वो सिक्किम फिल्म पहुना बना रही है। वहीं अब प्रियंका एक और फिल्म बना रही है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर की लव स्टोरी पर। जी हाँ, ये फिल्म बंगाली मराठी मिक्स भाषा में बनेगी। इस फिल्म का नाम नलिनी है। आपको बता दें कि ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म होगी। इस फिल्म में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की रियल लाइफ लव स्टोरी को दिखाया जाएगा। खैर, ये फिल्म रियल लाइफ से कितनी अलग होगी ये तो फिल्म की रिलीज के बाद पता ही चल जाएगा। फिलहाल प्रियंका इस फिल्म की स्टार कास्ट खोज रही हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म को अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। बात करें प्रियंका की तो वो इन दिनों बेवॉच के प्रमोशन में बिजी चल रही हैं, जिसके बाद वो बॉलीवुड फिल्मों में काम करेंगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।